और पिछले हफ्ते भी तो पंडित का रिश्ता। पंडित जी, अरे पंडित जी, चार रिश्ते लेके आया था ना, एक वो कॉलेज का लेक्चरर था और एक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या हुआ उसका? अरे वो सब लोगों को तो तुम्हारे पापा इजेक्ट कर दिए ना। पापा भी इजेक्ट नहीं, रिजेक्ट होता है मम्मी के। खाओ, काट दे इसको। और का? और काहे रिजेक्ट किया उसको? काहे कि लड़का का सैलरी कम था और उसके बाप के पास धन संपत्ति नहीं था। अब तुम ही बताओ कि लड़का से शादी करा रहे हैं कि उसके बाप से? हाँ, घूर काहे रही हो, गलत बोल रहे हैं। अरे लड़का बीटेक है, अरे उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। बता दे रहे हैं, संभाल लो अपने पति को, नहीं तो एक दिन यही पैसा 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 ना उसको चबा जाएगा। चुप कर। कंप्यूटर जीनियस चले। तुम्हारी साइकिल लेके गई थी, अब ब्रेक उसका टूट गया। अब ये देखो, नहीं तो किसी का मैरिज टूट जाएगा। मैरिज टूट जाएगा मतलब? अरे चलो तो सही, बताओ तो सही क्या हुआ। मतलब एक भी लड़का ठीक नहीं है? एक भी लड़का ठीक नहीं है पापा, कुछ का तो कैरेक्टर ही नहीं है और कुछ तो एकदम ही कैरेक्टरलेस है। जैसे पापा जी ये देखिए, भाई वाला तो लड़कियों के साथ बहुत चिपका हुआ, बड़ा अय्याजबाज टाइप का आदमी लग रहा है हमको। आई दूसरा का देखिए, ये तो लड़की है। नहीं पापा, लड़का है। इसको ना लड़की जैसा ड्रेसअप होने का शौक है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्रॉस ड्रेसिंग। अरे ये कैसा शौक है ससुरा? पापा पंडितवा को बोलिए ना कैसा रिश्ता लेके आया है। हाँ, कह रही हूँ, बताते हैं। पेट लधाम से 11,000 गिना के गया। और नहीं तो क्या? हेलो, प्रणाम यजमान। प्रणाम। प्रणाम और नाम छोड़िए, ये क्या अन्नर बन्नर कैंडिडेट का लिस्ट दिए हमको? कोई देवदास, कोई आतंकवादी और एक तो लड़की जैसा दिख रहा है। पर यजमान, ये सब बात आपको कैसे पता चला? वो हमारी छटंकी और रुमलवा इंटरनेट पे जांच करके बता रहे हैं हमको। छटंकी हमारी पंडिताई छुड़ा देगी। पर यजमान, जो सबके बाप है ना, सब इवन क्लास के हैं, मालदार। अरे मालदार का ही मतलब नहीं है ना पंडित जी, कि हम पैसा देके बनमानुस खरीदेंगे। लड़का लड़के जैसा होना चाहिए कि नहीं? गुण भले ही ना हो लेकिन अवगुण भी नहीं होना चाहिए। यजमान, इस इलाके के सारे लड़के आपको दिखा चुके हैं, अब लगता रहा कि हमें स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा। गांव, शहर, स्टेट या धरती, कहीं से भी खोज के लाइए, लेकिन हमको एक लड़का बहुत ही अच्छा चाहिए बस। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। यजमान एक लिस्ट और है मेरे पास, उस लिस्ट में जो बाप है ना, सब पैसा वाले, बिल्कुल गजागज हैं, मतलब मालदार से हैं। और बेटा, अरे बेटा का तो पूछो मत कीजिए, पेचकस लेकर पूरा कंप्यूटर खोल डालेंगे ना, तब वो कुछ नहीं मिलेगा। पर क्या मतलब सब 1 करोड़ वाले हैं, 50 लाख नहीं, सब 1 करोड़ के आसामी है। यजमान 1 करोड़ 1 करोड़। हमको तो पंडित का कंडलवा पसंद ही नहीं आए। मम्मी कैंडिडेट, हाँ जो भी है, आग लगे उस पंडित को, हमें नहीं देखना उसका लड़का। लोग मर्द वाले काम मर्द लोग को ही करने दो। हाँ पंडित जी, वो 1 करोड़ वाले कैंडिडेट का प्रोफाइल लेके आए हमारे पास। अच्छा, प्रणाम मेजबान। करोड़? हे यजमान, सारे बॉयजेस के फादर्स का पूरा बायोडाटा लेके आए हैं। 1 करोड़ रुपया सालाना, इसका 1 करोड़ 20 लाख रुपया सालाना, 2 करोड़ रुपया सालाना, इसका 2.5 करोड़ रुपया सालाना, का तो 5 करोड़ रुपया सालाना है, और एक का तो बता ही नहीं रहा है। अरे ये थोड़ा इनकम टैक्स का मैटर है। ये लफड़ा वाला पार्टी को दूरी रखो। लो आ गई नई लिस्ट। अम्मा है उधर। अम्मा पापा के लिए इनविजिबल है, अदृश्य। हम जाते हैं ना। अरे यजमान, 4 और है, उन्हीं 4 में से एक को फाइनल कर लीजिए बस। ना ना ना, इस बार लड़का का भी हिसाब किताब है। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, पूरा जानू कुंडली लेके आए हैं यजमान, ब्लड ग्रुप के साथ। हाँ तो बताइए। ये देखिए,
ये लड़का है भास्कर मिश्रा, MBA किया हुआ है और बाप का बिजनेस है उसी में सहयोग करता है। ये है सुनील मिश्रा, वकील है वकील और बाप का बिजनेस है ये भी उसी में सहयोग करता है। ये है दीपक शुक्ला, ये भी MBA है और A1 क्लास का लड़का है और बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है और एक मास्टर है वो भी सरकारी और बाप का। अरे नहीं नहीं, मास्टर उस्टर नहीं चाहिए, मास्टर के घर मास्टर एक ही काफी है। आप लड़की के बाप का पैसा काहे देख रहे हैं, लड़का अच्छा और नेक देखिए ना। अरे तुम काहे बैठी हो इधर, बेटी हमारी भी तो है, तो शांति से बैठो ना। ओ बड़की की माँ, अरे का रूखा सूखा भाजी तरकारी बना रही हो, कुछ खीर मालपुआ चमचम वगैरह बनाओ, खुशी का दिन ही देखो। राकेश रंजन, बाप 20 करोड़, बेटा बैंक। बाप जैसा भी हो पर दामाद हमारे बेटे जैसा मत लाइएगा। हमारी बहू सुहागन की जिंदगी तो जी रही है पर किसी विधवा से कम नहीं है। आप ECG करवाइए फिर रिपोर्ट दिखाइए। जी सर। सर आपके वाइफ का फोन आ रहा है। अगला पेशेंट भेजिए। जी। पापा। तुम्हारे ससुराल जाके आते हैं। कितना मनाएंगे उन्हें, जिनको मानना चाहिए वो तो मान ही नहीं रहे हैं। सुना, वो भी आ रहा है 2-4 रोज में। जानते हैं। तुमको कैसे मालूम? अभी छुटंकी से ही बात हो रही थी हमारी। गलती हो गया हमसे, हम उन लोगों को पहचान ही नहीं पाए, ठग लिया उन लोगों ने। कोई हमको धोखा दे दे, ठेकेदार राम कृपाल तिवारी को, और वो जिंदा बच जाए। लेकिन बेटे के लिए बाप का पोजीशन कमजोर हो ही जाता है। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है पापा। बेटे के लिए झुकना क्या, हम तो रेंगने तक के लिए तैयार हैं। वो लोगों ने हमको धोखा दे दिया, हमको इस बात का दुख नहीं है। हमारी फूल सी बच्ची को, एक इन माँ की बेटी को ब्याह करके मायके में बिठा रखा है, सोच के करेजा चलता है हमारा। आप बोलेंगे तो हम इस घर से कहीं और। ना बेटी ना, ये मतलब नहीं था हमारा। ब्याह था बेटी का, वाजिब जगह उसके ससुराले में होता है। घर तुम्हारा है, यहाँ हम तुम्हारे लिए दुनिया का कितना भी सुख आराम जुटा दे, तुम यहाँ खुश नहीं रह सकोगे। अरे तुम्हारे अलावा हमारे इस दुनिया में है कौन? हमारे इस करोड़ों की संपत्ति की अकेली वारिस हो तुम, पर ये सब तुम्हें सुख देने के लिए काफी नहीं है। हम भी समझते हैं इस बात को। दिन भर कितबुआ के साथ मगजमारी करती रहती हो, इनसे चैन मिलता है हमको,
और वैसे भी ये सब हम उनके लायक बनने के लिए ही तो कर रहे हैं। अग्नि का फेरा लेकर के बीवी को छोड़ देने वाला खुद कितना लायक है? अरे अपनी पत्नी को रुला करके छोड़ देने वाला खुद कितना लायक है? अरे गरम उड़ गए थे हमने जो ऐसा बिटवा मिला। फूल सी नाजुक दुल्हन है हमारी, 5 साल से बेचारी बिना कारण से जो भुगत रही है। अरे हम तो कहते हैं रुमाल को भेजिए, जाकर लेकर आएगा भाभी को। हम जाते हैं ना बड़की दीदी, हम उनको लेके आते हैं। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा वहां जाके। भाभी भी जिद की एकदम पकी है, लौटाइए देंगी तुमको। कारे छुटंकी तो हमारा कहावत काहे बोली उससे कि सुहागन की जिंदगी को विधवा से कम नहीं होते। ठीक ही तो बोली है, इका मुंह में एक्सीलेटर है, ब्रेक है ही नहीं, बक दी। बस बस ब्रेक लगा लो अब तुम लोग सब अपना मुंह में। हे भाभी आएगी, हम बोल रहे हैं ना, छटंकी के बाद कभी टाली है वो। पर आएगी, ये बात बोली भी तो नहीं ना। नहीं आए ना तो हम भी इस घर में ना उनके बिना शादी ही नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा बवाल ही हो जाएगा। फेंक रही है खाली। तो टंकी फेंकती है, तू एक तो बोलती है 10 तो करती है। हमको लग रहा ना कि बहुत बड़ा कोनो कांड होगा। ये सब कैलाशवा के कारण ही हो रहा है। वो एक एक चीज को टिक मार करके रखो, किसको पहले बोलना है किसको बाद में। ये कैटरिंग, पंडाल, बैंड, लाइट, इन सबको पहले से ही बुक करके रखो। जी पापा जी। वो कहा है ना कि लगन का टाइम है, लास्ट में बुक करोगे ना तो बोलेगा ससुराल कि फलना के यहाँ शादी है, चिल्ला के यहाँ ऑलरेडी बुक्ड है। लेकिन डेट का देंगे पापा शादी का? दिमाग का ओवर टाइम मत दौड़ा, लड़के वालों की तरफ से कंफर्मेशन मिला ही समझो। अरे तुम कहा है मनोजित वाला चेहरा बना के बैठी हो? अरे शादी का घर है कि मातम का? मातम ही है। मतलब घर की बहू मायके में बैठी है और घर में शादी। फिर वही फालतू का बात लेके बैठ गई। फालतू बात और नहीं तो कहा। अरे कितनी बार कहा है हमको इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है। परंपरा है ऐसा, सब मौका पे बहू को विध विधान के साथ विदा करके लाना पड़ता है। अरे क्या करोगी बहू को लाके, यहाँ लड़का है तुम्हारा यहाँ। पापा भैया होते तो कौन सा बड़ा भाभी को ले आते यहाँ। और आ तो रहा है आपका होनहार। अरे तो किस लिए आ रहा है? शादी ब्याह का बात करने, खर्चा उर्चा का फाइनल करने, वो पुराना लफड़ा देखने के लिए नहीं आ रहा है। लफड़ा? कैसा लफड़ा? पापा कैसा बात कर रहे हैं आप? आप ही भैया की शादी तय किए थे ना, अच्छा खासा विवाह खर्चा लेकर मंडप में बैठाए थे भैया को। देखा कैसी बात कर रही है। सही तो कह रही है, आज उसी बहू को आप लफड़ा बोल रहे हो। घर में शादी है और बहू को लाने का कोई इंतजाम नहीं है। पंडित जी आ रहे हैं, अभी लंका कांड बंद करो, सुबह सुबह ये शादी हो जाने दो, फिर तय करेंगे किसको लाना है और किसको विदा करना है। घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, करोड़पति घर में जा रही है तुम्हारी बहन, और तुम लोग हो कि बस ये अब सगुनिया डिस्कशन लेके बैठ जाती हो। भाभी, भाभी, बाहर आइए ना, लिखो। अब नहीं जाने देंगे आपको। हम लोग भी हैं मैडम। 2 साल बाद आई हो आप, लास्ट होली में आई थी यहाँ। और जो फोन पे बात की है वो हमको क्या पता कि वो आप हैं या आपका डुप्लीकेट। और फोन पे ऐसे गले थोड़ी लग सकते हैं। हमारी बारी है,
हाँ हाँ लग जाओ तुम भी, अब इसके बाद तो किसी और के गले लगने वाली हो। मरेंगे तुमको। हम भी तो इसे गले लगाना चाहते हैं। शेक्सपियर के सोनेट पढ़ते हो? क्यों जोक कर रहे हो भाभी? हमारे बीएससी के फिजिक्स में ऑप्शनल में इंग्लिश है, और ये शेक्सपियर अंकल तुम्हारे ऊपर से निकल जाते हैं। Shall I compare through a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and the summer's lease hath all too short a date. बाप रे, माय गॉड की कसम भाभी, इसका मतलब गर्मियों की ऋतु तुम्हारे आगे कुछ नहीं, वो हवाएं ही क्या जो कलियों को झकझोर दे, वो मौसम ही क्या जो पल में बीत जाए। तुम इन सब में कमाल हो भाभी। हमको भी इंग्लिश सीखना है आपसे। ए बाबू, लाइन में पहले हम हमारा फिजिक्स ऑनर्स और इंग्लिश ऑप्शनल सीखेंगे भाभी से। तो सीखो ना तुम। भैया को भी अंग्रेजी कविताओं का शौक है, तो क्या ये सब आप उनके लिए कर रही हैं? कविता में प्रेमी लड़का है, लड़की नहीं। मुझे भी अपने प्रेमी के लायक बनना है। क्या ठेकेदार साहब, बिना इन्फॉर्मेशन की बेटी को लाके धर दिए इधर? अरे आप ही ना कह रहे थे शादी ब्याह का घर है, बहू से शोभा रहेगा। वो तो फैमिली पॉलिटिक्स था। आप तो जानते हैं ना, मेरे बेटे और आपकी बेटी का संबंध, जब दोनों के बीच कुछ है ही नहीं तो ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत? कैसे नहीं है, दोनों का शादी हुआ है, समाज साक्षी है। अब सोशल मत बनिए मास्टर जी, इतना लिबर लिबर कर रहे हैं ना। कोई और वक्त होता तो क्या करते आप, गोली मार देते हमको, गर्दन उतार देते। वही बता रहे हैं हम आपको, मजबूरी में शादी करना पड़ा हमको आपके यहाँ। अब आ गई है तो आ गई है, बड़की की शादी के बाद ले जाना अपनी बेटी को। अब तो सुने हैं कैलाश बाबू आ रहा। अरे वही तो प्रॉब्लम है, आपकी बेटी को देखना ही नहीं चाहता वो, और आप उसको यहाँ लाके धर दिए। अब दोनों में हर रोज रूसा रूसी होगा, शादी के घर में खटराक। एक बार बात कीजिए कैलाश बाबू से, लेके जाएगा नेहा को मुंबई। गच्छा बात में आप, आपको क्या लगता है हम बात नहीं किए कैलाश से, समझाए नहीं है उसको? अरे बड़े अरमान से शादी किया हम उसका, का सोच के कि बेटा आकाश में और बहू पाताल में। ठेकेदार साहब, आपकी बेटी जमा नहीं पाई इस रिश्ते को। अरे हम बहुत समझाए कैलाश को, लेकिन वो टस से मसी नहीं होता है।
ब्रेन वाला आदमी है ना, वो दिल से काम ही नहीं ना लेता। एक बार बात कीजिए ना कैलाश बाबू से, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। रुकिए, अभी आमने सामने बात करवा देते हैं आपका, वीडियो कॉल। अब फोन पर क्या बात होगा, वो तो आ रहे हैं, आमने सामने बात करेंगे इंसानों जैसे। इसमें भी इंसानों जैसा ही बात होता है। हम आपके बालों के फैन हैं भाभी। वो भी थे। वाओ, मेस्मराइजिंग, सच पॉजिटिव वाइब। आप पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं? हाँ, वो सर्जरी पढ़ने लंदन जा रहा हूँ। आपके बाल बहुत सुंदर हैं। The beauty of a hair bewilders me, pouring around the brow, its curving tide. आपके घेसुओं को देख के हैरान हूँ, जैसे उतरती उलझती लहरें।